आपके कॉलोनी में रहती हूँ. मुझे 96 में डायबिटीज हुआ. हेरिडिटरी है घर में. थायराइड भी हेरिडिटरी है. और 96 में मेरा शुगर ब्लड डायबिटीज और थायराइड डिटेक्ट हुआ. उसके बाद मैंने शुरू किया एलोपैथी मेडिसिन. उसके बाद होम्योपैथी. 3-4 साल के बाद भी उसका कोई रिजल्ट नहीं आया. इतने में मेरे लंबे घने बाल सब झड़ने लगे, सब गिर गया. फिर पैरों में नाखून में हमेशा पस होता था. ओवरवेट हो गया. रिजल्ट फिर भी जीरो था सब मेडिसिन के बाद भी. उसके बाद जादव गुरुजी करके आयुर्वेदिक मेडिसिन शुरू किया. उससे भी रिजल्ट कुछ नहीं आया. और 4-5 साल पहले एक्यूप्रेशर का भी ट्रीटमेंट लिया चिंचवड़ में. 1 साल के बाद भी उसका भी अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं. 300 के आसपास ही शुगर रहता था और बाल भी पूरे झड़ गए. स्किन पूरा काला हो गया था और इतना मैं तंग आ गई थी कि कलर एलर्जी हर एक प्रॉब्लम शुरू हो गया. उसके बाद तो थक गई थी अभी कुछ लेने का नहीं. इतने में देवकर साहब के थ्रू हमको डीएससीएल का पता चला कि वो पेशी पे काम करता है, सेल पे काम करता है, जो मैं इतने दिन से ढूंढ रही थी. क्योंकि मेरे को अंदर से ठीक होना था. फिर डीएक्शन का धीरे धीरे मैंने कॉफी, ब्लैक कॉफी शुरू किया. 8 दिन में मुझे लगा कुछ तो भी फर्क हो रहा है, मेरे चेंजेस आ रहे. उसके बाद 3 टाइम कॉफी लेना शुरू किया. स्पिरुलिनिया लिया. 6-7 महीने तक ये दोनों कंटिन्यू करने के बाद मोरेंजी स्टार्ट किया. फिर आरजीजीएल शुरू किया. धीरे धीरे मेरे जो प्रॉब्लम थे कम होने लगे. पता चला कि मेरा शरीर ठीक हो रहा है. वो बाल जो झड़ गया था ऑयल की वजह से, बाल भी अच्छे से आने लगे. स्किन कलर जो कम्प्लीटली ब्लैक हुआ था उसमें भी चेंजेस आने लगा. और बॉडी भी हेल्दी फील करने लगी. मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया था, हीमोग्लोबिन भी बढ़ा. इस तरह धीरे धीरे आज मेरा कम्प्लीटली हेल्दी बॉडी है. अभी कोलेस्ट्रॉल चेक किया, बीपी चेक किया, गायनेक प्रॉब्लम का चेक किया, सब कंटिन्यूसली नॉर्मल में है.